तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो और क्या चल रहा है आप लोगों का, कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग क्या करते हैं कि मैं रोज़ रोज़ नहीं कहूँगी। तो आज का जो है ब्लॉग, मैं आप लोगों से बात करने के लिए जो बैठी हूँ, मेरे ब्लॉग का यही है, शुरू से रहा है कि पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ कैमरे के सामने, फिर उसके बाद जो मेरा ब्लॉग होता है वो शेयर करती हूँ। तो मेरा आज मैं आप लोगों से एक बात करूँगी कि मैंने कुछ जैसे कमेंट आते हैं, जैसे कुछ मैंने देखे हैं कुछ सिस्टर्स के रिक्वेस्टेड वीडियो होते हैं उनके, वो कहती हैं कि रिक्वेस्टेड हैं और बाकी में रिक्वेस्टेड होते हैं। वो कोई उनको रिक्वेस्ट करता है तो वो उनकी रिक्वेस्ट को जो है पूरा करते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल अपनी तरफ से कह रही हूँ, मुझे किसी को कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और सामने वाले को अगर कोई दिक्कत नहीं है रिक्वेस्ट पूरी करने में तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मेरे पास भी एक दो बार ऐसी रिक्वेस्ट आई तो मैंने नहीं पूरी की, तो फिर मेरे पास अब ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है और ना ही मैं किसी की रिक्वेस्ट पे काम करती हूँ। मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ, जो मुझे सही लगता है और जो मेरे लिए सही है मैं उतना ही यूट्यूब पे शेयर करूँगी जो मुझे सही लगे। और मैं अपने हिसाब से ही मतलब किसी की रिक्वेस्ट पे ना तो मैं यूट्यूब पे काम करने के लिए आई हूँ और ना ही मैं किसी की रिक्वेस्ट पे। हाँ, अगर रिक्वेस्ट मुझे लगा कि हाँ ये है करने लायक या कर सकते हैं तो करूँगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसी अजीब सी रिक्वेस्ट होती हैं, मुझे तो वो रिक्वेस्ट ही समझ में नहीं आती है। और देखिए आप एक जैसे कि रिक्वेस्ट होती है, पता नहीं अजीब अजीब सी रिक्वेस्ट होती है, तो कोई हैंकी टक करता है कमर में, कोई मतलब ऐसे करके काफ़ी रिक्वेस्ट होती हैं। तो उसमें रिक्वेस्ट करने वाले मुझे बड़े अजीब लगते हैं कि करने वाले जो होते हैं वो जेंट्स होते हैं। जब आपको साड़ी पहनना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? आप लेडीज से ये सब करवाते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि ये करिए, तो मेरी समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा आज आप अगर किसी को आप लोगों को पता हो कि इसका क्या है रीज़न। और मैंने देखा है, देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप व्यूज़ पाने के लिए सब कर रहे हैं तो कई सिस्टर्स की मैंने देखी है कि कोई ढंग के व्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके, और लेकिन वो रिक्वेस्ट पूरी कर रही हैं। मेरे पास एक दो बार आई तो मैंने इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लिया और मैंने साफ मना कर दिया, भाई मैं अपने हिसाब से काम करूँगी। और तो फिर अब मेरे में आना बंद हो गया है। वैसे शुरुआत में तो काफ़ी ऊटपटांग मतलब मेरी समझ से बाहर इस टाइप से रिक्वेस्ट है और कमेंट वगैरह, तो मैंने वो नहीं किया। तो अब मेरे में कोई नहीं आता है भैया, और मुझे ये सब किसी की रिक्वेस्ट पे काम नहीं करना है, वो तो अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं और लोगों का कह रही हूँ कि जैसे अगर व्यूज़ पाने के लिए करती है सिस्टर्स ऐसा, तो व्यूज़ भी ठीक ठाक नहीं होते उनके। अगर व्यूज़ ही मिल जाए उनको या सब्सक्राइबर्स मिल जाए तो फिर भी मैं समझ में आता है, फिर पता नहीं कि वो ऐसे लोगों की बातों में आ जाती हैं। खैर वो उनकी अपनी वो है, उनके वो कोई ऐसे वो तो है नहीं कि जिनको समझ नहीं है, वो समझदार हैं, यूट्यूब पे हैं, फैमिली वाले हैं, सबका अपना अपना परिवार है और सबकी अपनी अपनी सोच है और
सबको मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को इसमें किसी को समझ में आए कि ये सब जो रिक्वेस्ट करते हैं वो उसमें से जेंट्स होते हैं, लेडीज़ होती नहीं है, तो जेंट्स को साड़ी पहननी नहीं होती है, मेरी मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये कमर में ये हैंकी टक करके या लेगिंग पहन के मतलब क्लीनिंग, मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत से उसमें देखा है, तो मैं अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और मैं तो भाई ये सब रिक्वेस्ट किसी की पूरी करती नहीं हूँ। और बस चलिए अब आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज वीडियो हो जाएगा लंबा, तो फिर आप लोग वैसे भी नहीं देखेंगे तो और जो लोग नए आते हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो चलते हैं ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और अभी बजे हुए हैं सुबह के 8, तो गुड मॉर्निंग, अभी हैप्पी मॉर्निंग ही है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ मॉर्निंग वॉक से वापस, तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, तो यहीं पे चाय बन रही है, और यहीं पे मैंने बैगन जो है वो भी भुनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि लूंगी और इसको रोटी खाना होगा रोटी बनाऊंगी, पराठा खाना होगा पराठा बना दूंगी, और फिर इसके बाद हम लोग तो मतलब खाने में ज़्यादा फैलाएंगे नहीं आज हम। और मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए तो रोटी ही बनाती हूँ। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, चाय बनने वाली है, उसमें अदरक डालना है मुझे भी। और दो दिन से मौसम फिर से खराब हो रहा है, पहले अभी दो दिन आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि बहुत तेज धूप निकल रही है और स्वेटर पहनने का मन नहीं कर रहा है, और दो दिन से कल से अच्छी खासी ठंड हो गई है और हो रहा है कोहरा, जैसे कहते हैं बाहर जाओ तो दिखाई नहीं देता है, धुंध रहती है। तो कल मैं मॉर्निंग वॉक पे गई तो उसी चक्कर में चली गई थी जल्दी, जैसे कि अभी दो कुछ दिनों से हो रहा था, बिल्कुल साफ मौसम हो गया था, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, अंधेरा था बिल्कुल से, और कल से ज़्यादा आज है, तो मुझे लग रहा है कि अब फिर से मौसम ने करवट ले ली है और अब हम फिर से ठंड होने वाली है, क्योंकि बारिश का कहीं कहीं सुन रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, इस वजह से ठंड वापस आएगी, और एक बार तो वापस आती है फरवरी में, मार्च तक आ जाती है कभी कभार, तो मार्च में भी बारिश हो जाती है तो ठंड हो जाती है थोड़ा बहुत एक दो दिन की, तो ठंड फिर से बढ़ गई है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, देखिए चाय खोल रही है, इसको बहुत खोलाना मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे कम खोली हुई चाय पसंद नहीं करती हूँ। और ये देखिए ये बैंगन जो है ये भून रही हूँ मैं, तो इनका भरता बना लेंगे हम, और बस फिर और पराठा या रोटी जो कुछ जिसको जो खाना होगा, मैं अपने लिए तो खैर रोटी ही बनाऊंगी, और बस फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर आएंगे शाम को वापस, तो शाम को तो आना ही है। और बस अब मैं डाल दूंगी इसमें अदरक, और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और ऑयल भी गर्म हो गया था, तो जीरा डाल दिया मैंने चटकने के लिए, और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी हींग भी, और ये डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची बारीक पीस के वो काट के, और अब इसमें डाल देंगे हम प्याज, तो प्याज को मैं बड़े बड़े टुकड़ों में ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये इसके बाद ये देखिए भुन चुकी है हमारी प्याज। और अब मैंने इसमें मटर डाल दिया है, और अब जब मटर थोड़ा सा भुन गया तो टमाटर ऐड कर दिया है, और अब इसके बाद हम इसको पकने देंगे, तो मटर भी हमारी थोड़ी सी पक जाएगी, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा मटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती है, और मटर थोड़ा सा अब टाइट हो चुकी है, और अब इसमें भी हम थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। तो जैसे कि ये देखिए मेरी मटर जो है पक चुकी है, और इसमें मैंने नमक डाला है, और अब डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी, और इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और अब डालूंगी इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया जो है वो डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे, और इसके बाद अब इसमें डाल दूंगी मैं कलर के लिए मैंने ये डाल दी थी थोड़ी सी देगी मिर्च, और इसके बाद डाली है जो मसाला होता है हमारा गरम मसाला,
और वो डाल दिया है मैंने, तो मैं किचन किंग मसाला डालती हूँ। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से कर दिया है मैश वो मसाले को, और इसको भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है टमाटरों को। और इसके बाद ये देखिए मटर अभी थोड़ा सा पकने में रह गई है, तो और अब देखिए आप हमारे ये जो बैंगन है वो मैंने भून लिए थे और इनको छील लिया था। और अच्छे से इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, इनमें छोटे छोटे से कीड़े भी हो सकते हैं, तो बैंगन का भरता मतलब बैंगन को बहुत अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए मैंने बैंगन डाल दिए हैं और अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो बस हमारा बैंगन भरता जो है रेडी हो गया, और मैंने इसमें कोई गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जो है नहीं डाले थे, क्योंकि हमेशा गरम मसाले यूज़ करना अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। फिर मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया था, पिसा हुआ गरम मसाला है वो डाला था मैंने इसमें। तो ये देखिए हमारा बैंगन भरता बन के रेडी हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था, बहुत अच्छा बना था। बस इसमें यही होता है कि अब जितना ज़्यादा आप मसाला ऐड कर सकें, तो मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने गरम मसाले जो हैं कल मैंने एक बनाई थी जो पनीर की सब्जी, उसमें डाल दिया था, तो रोज़ रोज़ मुझसे नहीं खाया जाता है, तो मैंने आज इसमें नहीं डाला था। और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, आपका बैंगन भरता जो है रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें बस काट के हरा धनिया डाल दूँगी, तो बस रेडी हो गया है। और अब हम आपको दिखाएंगे जो है, तो ये मैंने जूम करके दिखाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था और वाकई में खाने में भी बहुत अच्छा था। तो अब हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में, तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी आइए और खा लीजिए बैंगन का भरता। तो बाय बाय फ्रेंड्स।